हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम आत्म स्वीकृति के बारे में जान रहे थे, हमने जाना कि आत्म स्वीकृति क्या है, खुद को स्वीकार करना जैसे भी हम हैं, चाहे हम में कोई भी बुराई है या हम में कोई भी अच्छाई है, खुद को जो है एक्सेप्ट करना या फिर स्वीकार करना। तो जब व्यक्ति में आत्म स्वीकृति होती है तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं या बेनिफिट्स होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। पहला है स्वतंत्रता की उच्च भावना। जब भी कोई भी व्यक्ति खुद को स्वीकार करेगा जैसा भी वो है, तो वो हमेशा ही स्वतंत्र रहेगा। नेक्स्ट है असफलता में भय की कमी। वो कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं समझेगा कि वो फेलियर है या किसी से इन्फीरियर है, क्योंकि उसने खुद को जैसा भी है वो उसने स्वीकार किया है। वो अपने आप को किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करेगा, जो भी व्यक्ति खुद को स्वीकार करेगा। नेक्स्ट है आत्म योग्यता में वृद्धि। वो हमेशा ही कहेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। वो कभी भी दूसरों के साथ अपने आप को ना कंपेयर करेगा और ना ही कभी भी वो किसी से अपने आप को इन्फीरियर या फिर पीछे समझेगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता में वृद्धि। वो हमेशा ही सेल्फ़ डिपेंडेंट होगा, खुद पर ही हमेशा ही डिपेंड होगा, वो दूसरों पर कभी भी डिपेंड नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति जो है वो अपना काम खुद करके खुश होते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना काम खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से करवाते हैं उनमें आत्म स्वीकृति की कमी होती है, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर डिपेंड रहते हैं, हमेशा ही अपना का हर काम खुद करते हैं, वो क्या है, उनमें आत्म स्वीकृति होती है और उसमें हमेशा ही उनकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आत्म सम्मान में वृद्धि। जब भी व्यक्ति जो है फुली कॉन्फिडेंट होके काम करेगा, तो उसका जो सम्मान है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा में कमी। वो कभी नहीं ये सोचेगा कि दूसरे ये एक्सेप्ट करेंगे या फिर दूसरे कहेंगे कि मुझे ये काम करो तो मैं करूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आज जो व्यक्ति खुद को स्वीकार करेगा, वो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करेगा, अपनी आलोचना को भी स्वीकार करेगा, और जो उसकी इच्छा करेगी वो काम करेगा, वो दूसरों की इच्छा पर निर्भर कभी भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है किसी से कोई गलती होने पर कम आलोचना करना। आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो है अगर किसी से मिस्टेकली वो काम हो जाए और वो हमेशा ही उन्हें क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं वो क्रिटिसाइज़ नहीं करते। जो खुद को स्वीकार करते हैं वो कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि हम सब क्या हैं, एक रूप हैं, हम सब परमात्मा का ही रूप हैं, परमात्मा का ही अंश हैं, और इसीलिए हमें दूसरे व्यक्ति को कभी भी क्रिटिसाइज़ या फिर आलोचना उनकी नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति खुद को स्वीकार करेगा वो कभी भी किसी की आलोचना नहीं करेगा। नेक्स्ट है परिणामों की परवाह किए बगैर अधिक से अधिक जोखिम उठाने की योग्यता। वो हमेशा ही ये नहीं सोचेगा कि अगर मैं ये काम करूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा। वो हमेशा ही सोचेगा कि मुझे काम करना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तभी आत्म स्वीकृति होती है। सो ये है आत्म स्वीकृति के लाभ। आत्म स्वीकृति क्या है, खुद को जैसे भी हम हैं अपने प्रति जागरूक होना और अपने आप को एक्सेप्ट करना, आत्म बोध जो है आत्म स्वीकृति कहलाता है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।